बिग बॉस 14 ने काफी दिन बाद टीआरपी की लिस्ट में उछाल मारकर नंबर वन पर जगह बनाई, लेकिन एक हादसे ने फिर से सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। जी हाँ, बिग बॉस के हादसे के बाद 20 जनवरी की शूटिंग ही नहीं हो पाई और एक दिन में ही शो को काफी नुकसान झेलने पड़े। 20 जनवरी की शूटिंग ना होने पर रिपीट शो चलाया गया। सुनने में आ रहा है कि बिग बॉस के गेट के बाहर पिस्ता ठाकर के निधन के बाद एक और बड़ा हादसा हुआ, जिससे सेट पर अचानक खलबली मच गई और शो की शूटिंग नहीं हो पाई। सोशल मीडिया के कुछ ऑनलाइन चैनल्स पे भी 20 जनवरी का एपिसोड काफी देर से अपलोड किया गया। लगातार बिग बॉस के सेट पर आफतें आ रही हैं, जिससे शूटिंग में खलन पड़ रही है। इससे पहले भी पिस्ता के जाने से वैसे भी सेट पर मायूसी थी कि अब एक और बड़े हादसे की वजह से फिर से बिग बॉस 14 को नजर लग गई। हालात ऐसे हैं कि मेकर्स इस शो को जल्दी ऑफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जल्दी आखिरी एपिसोड शूट कर लिया जाएगा। वहीं बिग बॉस 14 के सुपर कंटेस्टेंट की बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा राखी सावंत सबका एंटरटेन कर रही हैं और जीत के करीब तो सिर्फ एक ही हैं, वो है रुवीना दिलैक। रुवीना और राखी दोनों ने काफी ज्यादा घर वालों के टॉर्चर सहे। वहीं इस वक्त देवोलीना को भी काफी टॉर्चर सहने पड़ रहे हैं। देवोलीना ने हाल ही में ही घर में एंट्री की। वो इतनी ज्यादा परेशान दिखी कि उनका गुस्सा साफ बता रहा था कि उन्हें घर से बाहर निकालो। देवोलीना की निक्की से गंदी वाली लड़ाई हो गई। दोनों एक दूसरे पर खूब चीखती हैं और निक्की उनका मजाक बना रही थी। देवोलीना पूरी तरह रोती दिखी। वैसे आपको इस बार का बिग बॉस कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। अक्सर बिग बॉस के घर में होने वाली घटनाएं कभी फैंस को हंसाती हैं तो कभी रुला भी देती हैं। इस बीच बिग बॉस 14 के सेट से एक बुरी खबर सामने आई। दरअसल बिग बॉस 14 की टैलेंट मैनेजर पिस्ता धाकड़ का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। पिस्ता धाकड़ का एक्सीडेंट बिग बॉस 14 के सेट के ठीक बाहर हुआ। पिस्ता धाकड़ बिग बॉस 14 को बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी एनमोल शाइन इंडिया में काम कर रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बॉस की शूटिंग देर रात तक की जाती है, इस बार भी वीकेंड की बार की शूटिंग की जा रही थी। इस दौरान सेट पर सलमान खान भी मौजूद थे और वीकेंड के बार की शूटिंग खत्म होने के बाद पिस्ता धाकड़ अपनी असिस्टेंट के साथ एक्टिवा पर अपने घर के लिए निकली थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाई। रात को अंधेरे होने की वजह से पिस्ता धाकड़ की स्कूटी स्लिप होकर एक गड्ढे में जा गिरी। स्कूटी से गिरी पिस्ता धाकड़ एक वैनिटी वैन के नीचे आ गई और वो उठ नहीं पाई। गंभीर रूप से घायल हो चुकी पिस्ता धाकड़ की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। धाकड़ बिग बॉस के अलावा खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो के लिए भी काम कर चुकी हैं। पिस्ता के जाने से टीवी जगत में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं ये दुखद खबर सुनकर बिग बॉस 14 के फैंस को भी जोरदार झटका लगा। विवाद अलग है कि इस घटना के बारे में अभी तक बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट को कोई खबर नहीं दी गई, वरना बिग बॉस के घर वाले भी डर सकते हैं, क्योंकि हादसा बिल्कुल फिल्म सिटी में बिग बॉस हाउस के गेट पर हुआ। वहीं बिग बॉस 14 में आज वीकेंड के बार में सलमान खान, रुवीना दिलैक, अभिनव शुक्ला, राखी सावंत और सोनाली फोगाट की क्लास लगाने वाले हैं। इनके अलावा आज बिग बॉस 14 के घर में बॉलीवुड की फेमस सिंगर तुलसी कुमार की भी एंट्री होने वाली है। टीवी की संस्कारी बहू यानी रुवीना दिलैक के सब्र का इम्तिहान तो तब लिया गया जब सलमान खान ने उन्हें खरी खोटी सुनाई। रुवीना अब तक हर कंटेस्टेंट को मुंह तोड़ जवाब देती आई, हर सिचुएशन का सलूशन बताती आई। लोग भी उन्हें सबसे होशियार, काबिल और ईमानदार कंटेस्टेंट मान रहे थे, लेकिन उनका ये घमंड सलमान खान ने मिनट से पहले ही तोड़ दिया। वीकेंड के बार में वो सलमान के सामने कुछ बोल नहीं पाई। सलमान की डांट के बाद रुवीना बिल्कुल टूट गई। हम बताएंगे कि आखिर क्यों सलमान ने रुवीना की क्लास लगाई, लेकिन उससे पहले यहाँ तो देखिए, जब उनके खुद के पति ने रुवीना पर थूका। सलमान की डांट के बाद घर के कंटेस्टेंट तक रुवीना का खूब मजाक बना रहे हैं, उनका सोना दुश्वार कर रहे हैं, उन्हें चैन से बैठने तक नहीं दे रहे, जिसमें सबसे आगे अर्शी खान है। रुवीना की दुश्मन बनी अर्शी खान उन्हें पल पल में टॉर्चर कर रही है। सलमान की डांट से तो रुवीना का घमंड टूटा ही, साथ ही उनके पति अभिनव शुक्ला ने भी उनका साथ छोड़ दिया। रुवीना को अपने पति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। पति के साथ छोड़ने से रुवीना बिल्कुल अकेली पड़ गई है और हद तो तब हुई जब रुवीना के पति सबके सामने रुवीना के मुंह पर थूक कर चले आए।
ये सब तब हुआ जब रूबीना को अर्शी खान ने कुछ घटिया बातों से दबाना चाहा। जी हाँ, सलमान की डांट के बाद अर्शी खान ने रूबीना से कहा कि तेरी औकात सामने आ चुकी है, देख तेरा पति भी अब तेरा नहीं रहा। और उस पर अभिनव कुछ नहीं बोले। ये सच सच ही रूबीना के मुंह पर अभिनव ने तमाचा मारा, उनके मुंह पर थूका। अर्शी खान ने ये तक कह दिया कि देखती हूँ मैं तू कैसे बिग बॉस विनर बनेगी। रूबीना चुपचाप अर्शी के टॉन्ट सुनती रही, क्योंकि वो उस वक्त अपने पति से भी लड़ाई लड़ चुकी थी। हद तो तब होती है जब अर्शी कहती है कि तू अपने आप को स्टार समझती है, तो ऐसी हकीकत पे मैं थूकती हूँ। रूबीना ने कहा कि मैं स्टार हूँ तभी तो तू मेरे पीछे आती है। अर्शी रूबीना को बेहद घटिया बातें बोलती रही, लेकिन एक बार भी अभिनव ने जवाब नहीं दिया। लोगों ने अभिनव को भी नोटिस किया, वो चुपचाप पत्नी की बातें सुनते ही रहे। पत्नी पर शांति और अभिनव देखते ही रहे। उनकी पत्नी पर अर्शी ने थूका भी, लेकिन असल में तो अभिनव ने अपनी पत्नी पर तब थूका जब वो चुपचाप सुनते रहे। रूबीना अकेली लड़ती रही और जब वो थक गई तो वो बाहर के एरिया तरफ चली गई। वहां भी अर्शी उनसे मुंह लगाने पीछे नहीं हटती है। लोग अभिनव को गलत भी कह रहे हैं, जबकि कुछ लोग अभिनव को सही भी कह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि रूबीना को यहाँ अपनी लड़ाई अकेले लड़ना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, रूबीना हार मानकर आउट हो जाएंगी या फिर ये शो जीत कर ही जाएंगी? कमेंट करके बताइए, क्या रूबीना दिलायक बिग बॉस 14 का खिताब जीतने लायक है? बिग बॉस 14 का इस बार का वीकेंड बार रूबीना दिलाइक के लिए मुश्किल भरा ही नहीं रहा, बल्कि उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भारी पड़ गया। जिस रूबीना की खासियत देखकर लोग बिग बॉस 14 का उन्हें विजेता बनाने की पूरी कोशिश में लगे थे, वही रूबीना ने बदतमीजी की हदें पार कर दी। गुस्सा तो तब आया जब वो गेम के बीच में अपने पति को ले आई और उन्होंने गुस्से में आकर अपने पति की खूब बेइज्जती की, ऐसी घटिया हरकतें की जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। बताते हम आपको आखिर क्यों सीधी सादी रूबीना का गुस्सा अचानक बढ़ गया, उन्होंने अपने पति पर हमला कर दिया। वीकेंड के बाद में सलमान खान ने रूबीना की अच्छी खासी क्लास लगाई, वो इसलिए क्योंकि रूबीना ने उंगली दिखाकर अर्शी खान का खूब मजाक बनाया। उस उंगली का मतलब रूबीना क्या दिखाना चाहती थी वो तो वही जानती है, लेकिन सलमान की नजरों में रूबीना ने वो उंगली इसलिए दिखाई क्योंकि वो अर्शी को टॉयलेट बता रही थी, इसलिए वो हाथ की छोटी उंगली अर्शी को बार बार दिखा रही थी। रूबीना ने सफाई देते हुए कहा कि वो इसलिए उंगली अर्शी को दिखा रही थी क्योंकि वो उनकी उंगली से चिढ़ रही थी और वो उन्हें परेशान करना चाहती थी, इसलिए उन्हें उंगली दिखाई। लेकिन सलमान ने उनकी एक बात नहीं मानी और उन्हें खूब बुरा भला कहा।